हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड एन्जॉइंग एंड लर्निंग द वीडियो आई एम रीमा चौहान फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग विथ फिफ्थ स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर फाइव एंड सीड्स स्टार्ट किया था और आज के वीडियो में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इफ यू हैव अ बुक प्लीज टेक योर बुक एंड ओपन पेज नंबर फोर्टी सिक्स इन योर बुक स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ एक्टिविटी दी थी कि आपको मूंग और चना इन दोनों में से कोई एक चीज को सो करके और उसको स्प्राउट करके आपको इसकी पिक ग्रुप में सेंड करनी है बट अभी तक कोई भी स्टूडेंट्स का स्प्राउट किया हुआ जो मैंने एक्टिविटी दी थी वो होमवर्क आया नहीं है स्टूडेंट्स ये कंपलसरी है अगर आप ये एक्टिविटीज़ नहीं करोगे लाइव नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ सो so, प्लीज़ मैं आज वही एक्टिविटी आपको फिर से दे रही हूँ आपको मूंग या तो चना लेना है और उसको भिगो के और उसको स्प्राउट करके उसकी पिक आपको मुझे होमवर्क में सेंड करनी है एक और मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया था कोई भी सीड्स आपको पॉट में ग्रो करने हैं वो होमवर्क भी किसी का एक्टिविटी होमवर्क नहीं आया है प्लीज़ आपको रेगुलरली होमवर्क करते रहना है एक्टिविटीज़ करते रहना है प्रोजेक्ट्स करते रहने हैं अगर आप डेली स्कूल आते और मैम प्रोजेक्ट देती तो भी आप करके लेके आते हो ना है ना तो ये और अच्छा मौका आपके पास थी घर पे रह के आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा आप उस प्राण की अच्छे से केयर कर सकते हो सो स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्ट भी आपको करना है और जो मैंने स्प्राउट्स की एक्टिविटी दी थी वो भी आपको करनी है ओके आई होप कि आज ये आप करोगे एक्टिविटी और कल तक आप मुझे वो स्प्राउट्स की पिक होमवर्क में भेजोगे ओके नाउ कम टू द टॉपिक थिंक एंड इमेजिन What would happen if plants could walk? Draw a picture. See students, यहाँ पे think and imagine दिया गया आपके लिए कि अगर plants walk करते तो क्या होता ऐसा imagine करना है हमें है ना Now, next, find out. Do some plants grow without seeds? Students, क्या आपने कभी कोई ऐसे seeds, ऐसे plants देखे जो without seed grow होते हैं Think, think, think. यस yes, जो रूट्स होते हैं उनके सीड्स नहीं होते है ना स्टूडेंट्स जैसे कि पोटैटो है ऑनियन है गार्लिक है स्वीट पोटैटो है जिंजर है ये सब रूट्स ऑफ प्लांट्स है ना आप सबको पता है ना ये रूट्स ऑफ प्लांट्स है तो इसके सीड्स नहीं होते हैं ना स्टूडेंट्स सी मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ सी स्टूडेंट्स ये जो सारे हैं, वो है रूट्स ऑफ प्लांट्स है ना? पोटेटो है स्वीट पोटेटो है ओनियन है कैरेट है गार्लिक भी है और जिंजर भी है सो so, स्टूडेंट्स ये अंडर सॉइल होता है सॉइल मतलब कि ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है ये रूट है है ना आप सबको पता है ना कि ये रूट्स है सो so, स्टूडेंट्स इस रूट्स के सीड्स नहीं होते है. है ना विदाउट सीड्स ग्रो होता है understood? Now, plants which hunt. Students, क्या आपने कभी hunting plant देखे जिसको पीचर प्लांट भी बोलते हैं है ना देर आर ट्रैप एंड इट फ्रॉक्स सी ये जो हंटिंग प्लांट होते हैं पीचर प्लांट वो फ्रॉक खाते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं माउस भी खाते हैं स्टूडेंट्स ये पीचर प्लांट हंटर होते हैं है ना इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया स्टूडेंट्स ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और मेघालय में देखने को मिलते हैं इट हैज अ पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ शायद आपने कभी मूवी में देखा हो एनिमल्स की मूवी आती है उसमें भी कई मूवीज में ये पीचर प्लांट दिखाया जाता है है ना जो डिज्नी मूवीज आती है तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर आप देख पा रहे हो माउथ जैसा बना हुआ है ओपन है जो चीज़ यहाँ पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स ये इसका माउथ है है ना माउथ जैसा इट इटमींस उसका शेप है लाइक शेप द माउथ इज कवर्ड बाई लीफ जो लीफ से कवर्ड रहता है और स्टूडेंट्स ये जो प्लांट है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स मतलब कि छोटे चुट छोटे जीवड़े खाता है फ्रॉक खा जाता है माउस खा जाता है है ना द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दट एट्रैक्ट इंसेक्ट टूट इसकी स्मेल इतनी एट्रैक्टिव होती है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी तरफ चले जाते हैं है, है न When the insects land on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. See, मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी स्मेल बहुत ही अट्रेक्टिव होती है तो जो इंसेक्ट होते हैं वो स्मेल से उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं ना और जैसे ही वो इंसेक्ट उसके माउथ के ऊपर प्लांट के माउथ के ऊपर लैंड करता है तुरंत तो ही वो प्लांट क्या करता है उसको खा जाता है, है ना और वो बाहर ही नहीं निकल पाता कितनी क्लेवर ट्रिक है ना इसकी बहुत ही क्लेवर ट्रिक है हंट करने की इस प्लांट की है ना नेक्स्ट है सो मेनी सीड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट वेर विल यू फाइंड देम इच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपको प्लांट्स जर्मिनेशन करना है पर शायद किसी ने नहीं किया है तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आपने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं है ना और आपको वो कहाँ से मिले और आपने उसको कलेक्ट करने के लिए कितनी ट्राई करी कैसे डिफरेंट टाइप के आपको सीड मिले है ना उसके रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आंसर है तो वो तो आपने किया ही नहीं है प्लीज़ स्टूडेंट इस इट इज़ कंपल्सरी आपको ये प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दोनों करना है ओके यू हैव अ टू डेज़ ओनली नेक्स्ट टू डेज में आपका ये प्रोजेक्ट वर्क और एक्टिविटी वर्क मुझे ग्रुप में चाहिए ओके इट इज़ कंपल्सरी नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है राजमा उसका कलर उसका शेप और उसका टेक्सचर, स्टूडेंट्स क्या आपने राजमा देखा है ब्राउन ब्राउन कलर कलर का का, होता है, का, है ना? और बहुत ही स्मूथ रहता है उसको बॉईल करके फिर बनाया जाता है जैसे चने बनाते हैं बॉईल करके वैसे बहुत ही टेस्टी होता है और उसके उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते नाउ मेक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है जिसका आपको लिफ्ट डाउन करना है ठीक है सीड्स दैट आर यूज एज स्पाइसिस इन योर होम आपके घर में स्पाइसिस के तौर पर कौन कौन से सीड्स यू यूज किए जाते हैं फिर सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स सीड्स ऑफ फ्रूट्स लाइट सीड्स सीड्स विच आर फ्लैट इसके आपको क्या करना है लिस्ट बनाना है ओके okay? सीड्स दैट आर यूज इन योर किचन मम्मा जो सीड्स है उसकी यूज़ करती है किचन में शायद आपने भी कभी देखा होगा है न तो यहाँ पर आप फोटो में इत, स्क्रीन पर देख पा रहे हो सबसे पहले तो दिया गया है मस्टर्ड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मस्टर्ड है जिसको बोलते हैं राई है ना जिसका डायरेक्ट यूज़ किया जाता है सीड का डायरेक्ट यूज़ होता है उसका आपको लिस्ट डाउन करना है है ना तो है राई जिसको बोलते हैं मस्टर्ड फिर है फैन ग्रीक इट मीन्स की मेथी फिर क्यूमिन इट मीन्स की जीरा फिर है ये धनिया अखा धनिया जिसको बोलते हैं कोरिएंडर सीड्स तो स्टूडेंट्स ये प्लांट के सीड्स हैं जिसको अपने किचन में डायरेक्ट यूज़ किया जाता है है ना फिर है सीड्स सीड्स ऑफ़ तो फिंगर के होते हैं ना आपने देखा होगा ब्रिंजल के सीड्स होते हैं टोमेटो में भी सीड्स होते हैं और जो कुकुम्बर होता है उसके अंदर भी सीड होते हैं ना स्टूडेंट्स फिर है सीड्स ऑफ फ्रूट्स एप्पल सीड्स ऑरेंज सीड्स गुआवा सीड्स मैंगो सीड है ना ये सारे फ्रूट में सीड्स होते हैं न, फिर है लाइट सीड्स लाइट स्टूडेंट्स जिसको आप हवा ब्लो करो तो वो उड़ जाते हैं तो जैसे कि जीरा और सौ है ना बहुत ही हल्का होता है ना वो वेट में उसको आप एयर ब्लो करोगे फूक मारोगे तो वो उड़ जाएगा है ना फिर है फ्लैट जिसके सीड हो तो जैसे कि तरबूज के बीच स्टूडेंट्स आपने देखे तरबूज के अंदर जो सीड्स होते हैं वाटर मेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं ना फिर जो मस्क मेलन होता है उसकी भी सीड्स फ्लैट होते हैं में इसकी टेटी, शक्कर टेटी जिसको बोलते हैं है ना? तो उसके भी बीज फ्लैट होते हैं फिर राजमा है है ना फिर तिल है तिल के भी सीड्स फ्लैट होते हैं है ना स्टूडेंट्स सो so, ये रहा आपका सीड्स का लिस्ट और आप ऐसे और भी लिस्ट बना सकते हो है ना स्टूडेंट्स हम एक बार रिपीट कर लेते हैं ये सीड्स है जो हमारे किचन में यूज होते हैं मसाले की तरह राई है मेथी है जीरा है धनिया है है ना इसको अगर आपको इंग्लिश में बताना हो तो फर्स्ट है मस्टर्ड फैनग्रिक क्यूमिन और कॉरियडर सीट फिर वेजिटेबल्स के सीट है है ना लेडीज फिंगर के सीड्स ब्रिंजल के सीड टोमेटो के सीड्स एंड क्यूकम के सीड्स नेक्स्ट है सीड्स सीड्स, 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 ऑफ़ फ्रूट, एप्पल सीड, गुआवा मैंगो है ना फिर लाइट वेट वाले सीड्स तो क्यूमिन एंड सौ जीरा और सौंफ फिर है सीड्स विच आर फ्लैट जिसके सीड्स फ्लैट होते हैं तो वाटरमेलन सीड्स फिर मस्क मेलन सीड्स राजमा तिल है ना मेक मोर ग्रुप्स हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डी आप ऐसे और कितने ग्रुप बना सकते हो वो आपको बताना है ठीक है और ग्रुप बनाने वंडर इन सीड्स स्टूडेंट्स क्या आपने कभी सीड को उड़ते हुए देखा है फ्लाई करते हुए या तो चलते हुए कभी देखा है आपने ऐसा? पॉसिबल yes, हाँ ऐसा हो सकता है अगर हवा आए तो से डूब सकता है है हाँ ना? और कोई एनिमल अगर कुछ खा रहा हो जैसे कि मंकी आपने मंकी को मैंगो के सीड्स खाते हुए देखा है मम्मी ने जैसे कि मैंगो के जो सीड जो होता है मैंगो की जो गुटली होती है वो मम्मी ने धूप में सुखाने के लिए रखी हो या तो बाहर फेंकी हो डस्टबिन में फेंक दी हो तो मंकी आके ले जाता है और उसको खा जाता है है ना तो अगर बाई चांस मंकी से गिर गया तो वो मैंगो सीड मूव हुआ है ना अपने प्लेस से वो मूव हुआ ना अपने आप नहीं होता है बट किसी के थ्रू होता है है ना और हवा आने पर भी सीड फ्लाई करते हैं मतलब कि उड़ते हैं है ना प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड प्लांट अपने आप मूव नहीं हो सकते वंस दे ग्रो दे रिमेन्स इन द सेम प्लेस बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स

ट्रैवल करते हैं मतलब कि मूवमेंट करते हैं है ना दे कैन रीच फार एंड वाइड वो बहुत ही दूर जाते हैं और फैलते हैं है ना लुक एट पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स नेक्स्ट पेज पे आपको फ्लाइंग सीड्स दिखाए गए है ना स्टूडेंट्स सो लेट्स सी इट सी पिक्चर नंबर वन एंड पिक्चर नंबर टू look at picture number 2 this seed cannot fly but it can still travel by sticking on the fur of animals or on our clothes trends picture number 2 mein aapko kaante kaante jaise seeds dikh rahe see to ye fly nahi karte but ye animal के fur पे मतलब कि animal के जो hair होते हैं उनकी skin पे उस पर चिपक जाते हैं है हाँ ना यहाँ पे आप देख पा रहे हो या तो अपने कपड़ों में चिपक जाते हैं है ना अगर हम वहां पे गए इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज स्टूडेंट्स ये जो सीड्स है वो या तो एनिमल के फर पे चिपक के इधर उधर होते हैं या तो हमारे कपड़ों पे चिपक के कहीं चले जाते हैं। मतलब कि इसको फ्री राइड मिल जाती है, है ना तो क्या आपको इससे रिलेटेड कोई और आइडिया आ रहा है और नेक्स्ट आपको रीड करना है कि वेलक्रो का यूज करने का आइडिया जॉर्ज मैस्ट्रल को कैसे आया है ना स्टूडेंट्स वेलक्रो मीन्स स्टूडेंट्स आपके जो जूते या चप्पल होते हैं उसमें वेलक्रो होता है जिससे आप अपना जो शूज या तो सैंडल का जो बेल्ट होता है उसको चिपकाते हो है ना यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ये सैंडल है उसका ये जो बेल्ट है उसको आप वेलक्रो से चिपकाते हो है ना आपके पास भी ऐसे शूज और सैंडल होंगे जिसको आप जिसमें आप वेलक्रो यूज करते हो बेल्ट चिपकाने के लिए है ना तो इसका आइडिया किसको आया जॉर्ज मैस्ट्रल नाम के एक इंसान को इसका आइडिया आया सी हम रीड करते हैं कि कब ये इन्वेंशन हुआ है ना दिस है ज मैस्ट्रल कैम बैक फ्रॉम विथ हिस्स ही एक दिन जो जॉर्ज मैस्ट्रल थे वो अपने डॉग के साथ वॉक पे से रिटर्न आ रहे थे वॉक पे गए थे डॉग के साथ जहाँ से वो रिटर्न आ रहे थे और उनको वंडर टाइप लगा कि ये जो सीट्स थे वो उनके क्लोथ पे और उनके डॉग के फर पे चिपक गए ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप उनको लगा कि मेरे कपड़ों पे ऐसा तो क्या चिपका है तो उन्होंने माइक्रोफोन में उस सीड का क्या किया ऑब्जर्वेशन किया ही सो दैट द सीड्स हैड मेनी टाइनी हुक्स व्हिचGot stuck to clothes or fur उन्होंने क्या देखा कि इतना छोटा सी हुक टाइप का जो है वो कपड़ों पे और फर पे चिपक जाता है ये सीड। आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो इससे जो जॉर्ज मैस्ट्रल थे उनको क्या आइडिया आया वेलक्रो बनाने का आइडिया आया ही मेड अ मटीरियल विथ सिमिलर ट्राइली हुक्स दैट पुट स्टिक उन्होंने ऐसा दूसरा मटेरियल बनाया कि जो इसके सामने चिपक सके है ना ऐसा टाइनी दूसरा हुक बनाया, सेम जो चिपक सके। वेलक्रो इज़ टू तु स्टिक थिंग्स, शूज़, बैग्स, बैग्स एंड मैनी मोर वेलक्रो आपने देखा होगा आपके क्लोथ में भी होगा कहीं फ्रॉक्स वगैरह में होता है, है स्वेटर्स में होता है बहुत सारे क्लोथिस में वेलक्रो यूज़ होता है शूज़ में भी वेलक्रो यूज़ होता है फिर बैग है बैल्ट है ऐसी कहीं सारी चीज़ों में वेलक्रो का यूज़ होता है है ना वॉट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर सी नेचर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना नेचर हमें इंस्पायर करता है ये जॉर्ज मैस्टल थे वो जस्ट खाली वॉक पे गए थे तो इनको क्या आइडिया आ गया वेलक्रो बनाने का आइडिया आ गया ये जो सीट था वो उनके कपड़ों पे चिपका उनके डॉग के फर पे चिपका है ना तो इनसे उनको क्या इंस्पिरेशन मिली वेलक्रो बनाने का उनको आइडिया आया है ना स्टूडेंट्स? तो ऐसे और भी सीड्स है जो एनिमल के थ्रू भी इधर से उधर हो सकते है ना स्टूडेंट्स सी, यहां पे आपको दिखाया गया है पेज नंबर फोर्टी नाइन पे स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हो स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गैस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रिच डिफरेंट प्लेसेस यहाँ पे एक ट्री बताया गया है एक बर्ड बताया है और एक छोटी सी स्क्वीरल बताई गई है ना सी स्टूडेंट ट्री से जो सीड नीचे गिरा है वो रिवर हो या पौंड हो कुछ भी हो उसमें बहता बहता वो आगे जाएगा

सीड होता है वो पक्का हो जाता है इट मींस कि राइप हो जाता है तो वो अपने आप ट्री से गिर जाता है है ना ये आपने सुना होगा है ना स्टूडेंट्स कभी आपने ट्री पे से कोई सीड या तो कुछ भी गिरने की आवाज सुनी है कि जब वो राइप हो जाता है तो गिर जाता है है ना स्टूडेंट्स सो so, इस तरीके से वो जो सीड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है कोई स्पैरो या तो कोई बर्ड्स उसको लेके चला जाता है और यहाँ पे आपको बताया गया स्क्वीरल उसको लेके जा रही है है हाँ ना तो इस तरीके से जो सीड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं हाँ ना स्टूडेंट्स सी यहाँ पे आपको दिखाया गया है वाइन से वाइन से सीड स्प्रेड हो सकते हैं है हाँ ना वाटर से सीड्स स्प्रेड हो सकते हैं एक्सप्लोजन से सीड्स स्प्रेड हो सकते हैं और एनिमल से भी सीड्स स्प्रेड हो सकते हैं अब ये तो आपने देख लिया वाइन वाटर से और एनिमल से तो ये एक्सप्लोजन क्या है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पीस के सीड्स दिखाए गए है ना पीस दिखाया गया तो जब ये राइप हो जाता है तो नीचे जमीन पे गिर जाता है, है ना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, है ना या तो कोई एनिमल उसको खा खाता हुआ ले जाए तो हवा या तो बारिश से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है ना स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक हु केम फ्रॉम हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो इन योर लिस्ट यस वी आल्सो कैरी इट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अनोइंगली स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग भी सीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं कभी जानकर कभी अनजाने में है ना वी द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो दैम इन अवर गार्डन कभी हमें कोई फ्लावर प्लांट या तो कुछ भी कोई सीड कोई भी प्लांट अगर हमें जब अच्छा लगता है तो हम उसका छोटा सी पौधा उठा के ले आते हैं हमारे गार्डन में ग्रो करने के लिए है ना आप भी ऐसे करते होंगे ना अगर आप नहीं करते होंगे तो आपके पेरेंट्स ऐसे करते होंगे है ना जैसे कि मनी प्लांट मनी प्लांट ग्रो करने का मोस्टली सबको शौक होता है ना हॉबी होती है सबको मनी प्लांट ग्रो करने का तो हम किसी के घर पे से ले आते हैं ना और फिर अपने घर में उसका प्लांटेशन करके उसको केयर करते हैं और ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स सो ह्यूमन बींग्स भी कभी जान के और कभी अनजाने में सीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाते हैं लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसिस मैनी इयर्स लेटर पीपल मे नॉट ईवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट डिड नॉट ग्रो हीयर अर्लीयर दे वेर ब्रॉड फ्राम समवेयर एल्स डू यू नो फ्रॉम वेर चिलीज केम टू अवर कंट्री दिस वेयर ब्रॉड टू इंडिया बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्राम साउथ अमेरिका टूडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज स्टूडेंट्स के आपको पता है चिलीज कहाँ से आती है यस yes, जो चिलीज़ है वो साउथ अमेरिका से आती है कई सालों पहले लोगों को पता नहीं था कि प्लांट्स कहाँ ग्रो होते कैसे ग्रो होते है ना तो वो दूसरी जगह से उन चीज़ों को मंगाते थे स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट पेज पे आपको बताया गया है कौन सी चीज़ कहाँ से आती है है ना सी डू यू नो दिस फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो अ पोटेटो एंड अ ग्रीन चिली सी साउथ अमेरिका से क्या क्या आता है टॉमेटो पोटेटो एंड ग्रीन चिली है ना अ कैबेज कैम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी यूरोप से क्या आता है कैबेज एंड पी अफ्रीका से आता है कॉफी बीन्स एंड भिंडी दे क्रॉस द लैंड दे क्रॉस द सी है न डिड यू नो दिस ये सब चीजें तो बाहर से आती है ठीक है जो टोमेटो पोटेटो और ग्रीन चिली है वो साउथ अमेरिका से आती है फिर है कैबेज और पी आता है अफ्रीका से सॉरी कैबेज और पी आता है यूरोप से और कॉफी बीन और भिंडी आती है अफ्रीका से है ना स्टूडेंट्स सी तो इंडिया में क्या होता है स्टूडेंट्स इंडिया में क्या ग्रो होता है तो इंडिया में मैंगो ऑरेंज बनाना मिंट स्पीनच ब्रिंजल रेडिश ये सब कहाँ ग्रो होता है इंडिया में ग्रो होता है स्टूडेंट्स है ना ये सारी चीजें इंडिया में ग्रो होती है वॉट

पोटेटो को तो वेजिटेबल्स का किंग कहा जाता है ना क्योंकि सारी सब्ज़ी में पोटेटो डालते हैं है स्टूडेंट्स सो पोटेटो और टोमेटो के बिना फ़ूड पॉसिबल नहीं है है ना ओके okay, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये आपका लेसन नंबर फाइव कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स ये आपको रीड करना है एंड प्लीज़ मैंने जो प्रोजेक्ट दिया है उसको आप कंप्लीट करोगे एंड मुझे पिक्स भेजोगे ओके okay? ग्रुप में आपको पिक भेजना है कंपलसरी है स्टूडेंट्स एक्टिविटी भी करनी है और प्रोजेक्ट भी करना है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू हैव अ नाइस डे